जय हिंद। लोक सेवा आयोग से बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल कर आई है टीजीटी टीचर की, सीनियर टीचर टीजीटी भर्ती 2022। तो यहाँ पर देखेंगे 9,760 पोस्ट है, इसी के रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। जहाँ पर बीएड बीएलएड की वैकेंसीज है, शिक्षक भर्ती है, तो फॉर्म को कैसे भरेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स, लिंक, वेबसाइट, कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने पे, इन सारी चीजों पे मैं बात करूंगा। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। एडवर्टीजमेंट यहाँ पर देखिए, आज ही ये वैकेंसी निकली हुई है, न्यू लिखा हुआ है 5/4/2020, आज के डेट में निकला है। और ये देखिए, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इसका नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा जूम करके आइए, देख लेते हैं इसकी सारी इंपॉर्टेंट बातें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो लोक सेवा आयोग से, अजमेर से ये वैकेंसी निकली हुई है। सबसे पहले बता दूं, ऑनलाइन यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो इसकी स्टार्टिंग डेट, वैकेंसी कितनी है, ये सारी जानकारी देने वाला हूँ सब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, तो कैटेगराइज कर दिया गया है, जैसे कुल पदों की संख्या है, सामान्य पद यहाँ, आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं, उसके बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सामान्य, महिला, विधवा, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे सामान्य क्षेत्र में, तो 1509 संख्या नंबर है, उसके साथ में सामान्य पद के लिए अगर आप देखेंगे, तो ये तीनों आप ऑप्शंस आप देख सकते हैं, सामान्य के लिए, सामान्य महिला के लिए, विधवा के लिए, ये सारी कितने पद हैं देख सकते हैं। और सब्जेक्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए टोटल पद 1668 पद है, और वैकेंसी टीएसपी नॉन टीएसपी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। इसी तरह हिंदी सब्जेक्ट के लिए 1298 पद हैं, और इसके साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसी रीड कर सकते हैं। गणित के लिए 1613 पद है, जनरल टीएसपी नॉन टीएसपी के लिए आप देख सकते हैं। इसी तरह संस्कृत का देख लीजिए, विज्ञान का देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान का देख लीजिए, पंजाबी उर्दू के लिए आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं बहुत आसानी से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। अब आइए मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो इसकी शैक्षिक योग्यता की मैं बात कर लेता हूँ, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के साथ एक ग्रेजुएशन ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ, या फिर बाई यूजीसी से आप सब्जेक्ट, आपका आप जो भी सब्जेक्ट से आप हैं, उसके साथ आपके पास डिग्री या डिप्लोमा एजुकेशन रिकग्नाइज्ड बाय नेशनल सर्कल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास बीएड या फिर बीएलएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तब आप इसको फॉर्म को भर पाएंगे। वहीं पे अगर आप देखेंगे, तो विज्ञान विषय के लिए ग्रेजुएट हो, इक्विवेलेंट एजुकेशन आपके पास हो, यूजीसी सर्टिफिकेट, यूजीसी 2 ईयर का जो है सब्जेक्ट फॉलोइंग होना चाहिए। ऑप्शंस में सब्जेक्ट क्या क्या है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री डिग्री आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान विषय के लिए अगर आप जाएंगे, ग्रेजुएट वही आपके पास आ रही है, ग्रेजुएट हो, इक्विवेलेंट हो, यूजीसी से लेटेस्ट 2 ईयर का फॉलोइंग सब्जेक्ट के क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट आप यहाँ पर रीड करना चाहते हैं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। साथ में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा यानी कि आपके पास बीएड बीएलएड वगैरह आप किए होना चाहिए। उसके बाद वर्किंग नॉलेज फॉर हिंदी रिटेन, और यहाँ की जो नॉलेज है, मतलब राजस्थानी भाषा है, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, शैक्षिक अर्हता, ये भी आप रीड कर सकते हैं। वेतन क्या होने वाली है, तो आपका जो प्रे ग्रेड पे स्केल होगी वो 4200 की होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आप देखेंगे राज्य सरकार नियमानुसार आपको वेतन जो फिक्स पे दे होगा। अब मैं आयु की मैं बात कर लेता हूँ, तो दिनांक 1/1/2023 को से आपकी आयु गणना होगी, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है, तो ये आपकी एज होनी चाहिए। साथ में क्या है,
कि देखेंगे अगर राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुष, मतलब आपका कहने का मतलब 5 साल की छूट इनको मिल जाएगी राजस्थान। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो आप जो SC ST वगैरह है जो है उनको 10 साल की छूट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सामान्य 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 अनारक्षित वर्ग महिला के लिए अगर आप देखेंगे तो 5 साल की छूट। तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितने साल की छूट मिल जाएगी, तो इसको आप यहाँ पर रीड कर लें। यदि कुछ नहीं समझ में आता तो ये हमारा ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पर देखिए अच्छे अच्छे जैसे अभी आप देखेंगे तो KVS का जो क्वेश्चन पेपर उसका कुछ क्वेश्चन है उसको मैंने पोल दे रखा है। यहीं पर आपको सिलेबस वगैरह इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन वगैरह भी मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टाफनेस के यहाँ पर। सिलेबस कोई भी परेशानी हो ट्वीट कीजिए मैं दे दूंगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए यहाँ पर भी नई नई जॉब की नोटिफिकेशन। ये हमारा यूट्यूब चैनल है प्रयागराज रिजल्ट, यहाँ पर नई नई जॉब की वीडियो आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको अध्ययन करना है तो हमारे प्रयागराज अध्ययन यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए और नए नए सब्जेक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को रीड कर पाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं चयन की प्रक्रिया क्या है, तो चयन की प्रक्रिया आप यहाँ पर अध्ययन कर लें, नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए। परीक्षा का स्थान, अभी परीक्षा का स्थान डिक्लेयर नहीं है, आपको समय अनुसार आपको इसकी वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, यहाँ पर भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। आवेदन अवधि अगर आप देखेंगे फॉर्म कब से कब तक भरना है तो 11/4/2022, आज 5/4/2022 है, अभी 9 दिन का समय है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। तो 11/4/2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, 10/5/2022 टोटल 30 दिन का समय मिलेगा, रात 12 बजे तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। इसका ये रहा लिंक ऑफिशियल, यहीं पर आपको जाके फॉर्म को भरना है। ये सभी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करके फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन 11 तारीख के बाद अभी नहीं। इसका जो सिलेबस वगैरह है यहाँ पर कुछ सिलेबस दिया गया है, इसकी कटिंग हमारे नीचे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का सिलेबस वहां में डाल दूंगा। अब परीक्षा शुल्क की मैं बात कर लेता हूं, तो परीक्षा शुल्क में अगर आप देखेंगे सामान्य अनारक्षित वर्ग राजस्थान क्लेमी लेयर श्रेणी पिछड़ा वर्ग अन्य अति पिछड़ा वर्ग के लिए आपको ₹350 देना पड़ेगा। राजस्थान नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को आवेदन के लिए ₹250 देना पड़ेगा। इसी तरह SC ST वगैरह का भी आप यहाँ पर 150-150 रुपए आप देख पाएंगे, अदर स्टेट और राजस्थान स्टेट के लिए, ये आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा अति महत्वपूर्ण बिंदु है तो ये भी आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरते समय ईमेल ID और मोबाइल नंबर आप गलत ना करें, अच्छे से फॉर्म भरें और SMS के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड वगैरह कैसे मिलेगा कहाँ मिलेगा। तो अगर ये भी अगर आप समस्या होती है ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर है। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो है फॉर्म भरने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, बट वो मैं 11 तारीख के बाद अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में, कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए।